माँ के प्रेमी को सबक सिखाने के उद्देश्य से एक 15 वर्ष उम्र के लड़के ने जगन्नाथ बुधवारी स्थित शिवम एंटरप्राइजेस दुकान में काम करने वाले एक लड़के को गाड़ी पे बिठा कर ले गया, लेकिन पुलिस की सतर्कता के चलते किडनैप के मामले को आरोपी अंजाम नहीं दे सका। तहसील पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आए दिन किसी न किसी बात को लेकर किडनैपिंग की जा रही है। ऐसी एक घटना तहसील थाने की हद में आने वाले जगन्नाथ बुधवारी स्थित शिवम एंटरप्राइजेस इस कपड़े की दुकान में हुई है। पुलिस के अनुसार एक 15 वर्षीय लड़के का उसके मां के साथ किसी दुकान में काम करने वाले युवक के साथ प्रेम संबंध बताया जा रहा है, जिससे बौखलाए उस लड़के ने दुकान में काम करने वाले युवक को सबक सिखाने के लिए उसकी किडनैपिंग की योजना बनाई और अपनी 3 साथियों को लेकर शिवम प्राइजेस इस दुकान से उस युवक को गाड़ी पे बिठा कर ले गए। उसी दौरान सामने से पुलिस को आता देख किडनैपिंग के लिए लेके जा रहे उस युवक ने पुलिस को देखा और गाड़ी से समय मिलते ही उतर गया। युवक के दोस्त ने तहसील थाने में अपने दोस्त को किडनैपिंग करने की शिकायत दर्ज की। पुलिस ने किडनैपिंग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस घटना की जानकारी तहसील के पुलिस निरीक्षक जयेश भंडारकर ने BCN समक्ष दी। दिनांक 19/1/2021 को जगन्नाथ बुधवारी व्यापारी दिलीप आसोदानी, इनका स्वप्निल एंटरप्राइजेस करके जगन्नाथ बुधवारी में दुकान है, उनके दुकान में पिछले 5 साल से प्रदीप नंदनवार राणा मुकाम तंडापेट पचपावली ये काम करते हैं। 19/1 को रात को 9 बजे दरमियान 2 मोटरसाइकिल पे 3 निर्ज्ञात युवक आए और उन्होंने कुछ ना बोलते हुए मालक दिलीप आसोदानी के समक्ष उनका जो नौकर है प्रदीप नंदनवार, इनको गाड़ी में बिठा के भगा के लेके गए। घटना गंभीर होने के कारण तुरंत दिलीप असुदानी पुलिस स्टेशन तहसील में आए, हमने उनकी शिकायत दर्ज करके अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध नंबर 63/2021 कलम 365 367 34 भादवी के हमने गुना दर्ज किए और जबकि बात सीरियस थी इसलिए जांच तुरंत जारी किए। जांच के दरमियान पता चला कि जब किडनैपर प्रदीप नंदनवार को भगा के लेके जा रहे थे, उस टाइम इतवारी स्थित हल्दीराम मिठाई की दुकान के सामने हमारे 2 पुलिस खड़े थे। पुलिस के देख के प्रदीप नंदनवार को हिम्मत आ गई और उसने किडनैपर की गाड़ी से जंप मारा और भग गया। भगने के बाद किडनैपर प्रदीप के यहाँ से निकलने के बाद प्रदीप नंदनवार सीधा अपने महिला दोस्त जहाँ यशोदा नगर में रहती है उनके घर में पहुँचा और वहाँ से उन्होंने अपने भाई को फोन करके बताया कि मेरे को किडनैपर लेके गए थे, मगर मैं इतवारी हल्दीराम के सामने से गाड़ी से जम मार के भग गया हूँ। और उसके भाई ने फिर पुलिस स्टेशन तहसील में ये माहिती देने के बाद हमारा पतर API शैलेश गायकवाड़ के साथ यशोदा नगर में उनके महिला दोस्त के घर में गए और उनसे पूछताछ की। पूछताछ के दरमियान मालूम पड़ा कि प्रदीप नंदनवार जो तांडापेट पासवानी में रहते हैं और दिलीप पासवानी की दुकान में नौकरी करते हैं, उनके अपने महिला दोस्त के साथ संबंध होने के कारण उनका जो महिला दोस्त का लड़का है विधि संघर्ष बालक, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी और उनको इस बारे में जांच पूछने के लिए उसने दूसरा एक अपना दोस्त जो भी विधि संघर्ष बालक है 16 साल का और तीसरा दोस्त विरोध कुरड़कर तांडापेट पाचपावली इनके साथ जो मोटरसाइकिल पर गए थे और उनको जबरन उठा के लेके गए। मगर इतवारी हल्दीराम के दुकान के सामने पुलिस होने के कारण जंप मार के भग गया, उसका मोबाइल उन्होंने छीन लिए थे। जो आरोपी है विनोद कुरड़कर उम्र 19 साल तांडापेट पाचपावली, इनको पुलिस ने अरेस्ट किया है और दो जो बालक है विधि संघर्ष बालक है इसलिए उनको उनके मुताबिक कार्रवाई की है। आज ही शहर में किडनैपिंग की कई घटनाएं हो रही है। इसी श्रृंखला में तहसील पुलिस के अंतर्गत आने वाले उस परिसर में भी ये घटना हुई, मगर तहसील पुलिस की सतर्कता के चलते किडनैपिंग होते होते बच चुकी, जिसके चलते बहुत बड़ी एक घटना होने जा रही थी, मगर उस घटना को तहसील पुलिस ने रोका है। यही पुलिस का अच्छा काम की सराहना आज पूरे शहर में हो रही है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ संजय मीरे, BCN न्यूज़ नागपुर।